ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, क्या कारण है इनका होने का? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। ये हमारी हेडिंग है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। चलो इसके बारे में बात करेंगे। मान लो आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे होंगे और क्रिया करने से एक प्रोडक्ट बन रहा होगा, एक क्रियाफल बन रहा होगा, या दो क्रियाफल बन रहे होंगे, या क्रियाफल को आप उत्पाद भी कह सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लगाते हैं। मान लो हमारे पास एक पदार्थ ए है और उस पदार्थ ए ने पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करी और अभिक्रिया करने से सी और डी हमारे पास उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए। तो इनकी कुछ ऊर्जा होगी, टोटल एनर्जी मान लो इनकी E1 है और इनकी कुल ऊर्जा उत्पाद जो है उनकी ऊर्जा है मान लो E2। और मैं जब E1 और E2 का कंपैरिजन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी इनकी कुल ऊर्जा ज्यादा है जिन्होंने आपस में क्रिया की है, और इनकी कुल ऊर्जा कम है जो उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में या क्रियाफल के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे मैं कहूं कि मान लो इनकी कुल ऊर्जा थी 50 जूल और इनकी कुल ऊर्जा है 30 जूल। अब देखो ध्यान से जरा, यदि आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि हमारे जो अभिकारक हैं उनकी ऊर्जा कम है, सॉरी उनकी ऊर्जा ज्यादा है और उत्पादों की ऊर्जा कम है, तो पक्की बात है रिएक्शन जरूर होगा। ऐसी स्थिति में रिएक्शन जरूर होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों, मतलब आप कह रहे कि इनकी ऊर्जा ज्यादा है इनकी कम है तो रिएक्शन जरूर होगा। रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि जब ऊर्जा घटेगी ना, यहां से ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है, तो किसी भी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की इस दुनिया में ऊर्जा जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, उतना ही ज्यादा स्टेबल। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी ना वो बेचैन होगा बहुत बुरे तरीके से। जिस भी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी भी चीज में, मशीन में, जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो उतना ही ज्यादा बेचैन होगा। और बेचैन को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं अस्थाई, अनस्टेबल। और ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु चाहती है स्थायी होना, स्टेबल होना। जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक अच्छा आदमी बनना चाहते हो, आप अपने आप को स्थायी करना चाहते हो। हर एक वस्तु इस दुनिया में, हर एक वस्तु में प्रतियोगिता है, होड़ लगी हुई है स्थायी होने की, स्टेबल होने की। इसी तरीके से जो हमारे ये निर्जीव पदार्थ हैं ए और बी जो भी हैं, ये भी अपने आप को स्थायी रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यदि क्रिया कारकों की ऊर्जा ज्यादा है और क्रिया फलों की ऊर्जा कम है तो ऊर्जा घटेगी, और जिस वस्तु की ऊर्जा जितनी कम है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके स्कूटर में जब तक रासायनिक ऊर्जा है, मीन्स पेट्रोल है, तो जब तक वो काम करेगा, वो चैन से खड़ा नहीं होगा, आप उसे चलाते रहोगे जब तक उसमें पेट्रोल है, यानी उसमें रासायनिक ऊर्जा जब तक है। और जब उसमें रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो फिर आप उसे स्टैंड पे खड़ा कर दोगे, पक्की बात है ना, पक्की बात। तो इसका मतलब जब तक स्कूटर में रासायनिक ऊर्जा थी, जब तक उसने कार्य किया, और जब उसमें रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी या हो गई, तो स्कूटर ने कार्य करना बंद कर दिया, वो स्थायी हो गया। एक छोटे से बच्चे को जब आप देखोगे ना, तो छोटे से बच्चे में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। फॉर एग्जाम्पल LKG या UKG का बच्चा, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। आप LKG या UKG वाली क्लास में जब घुसोगे तो बच्चे शोर मचा रहे होंगे, उन्हें आप चुप बिठाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। एक छोटे से बच्चों को, किसी भी छोटे से बच्चों को, कोई भी बच्चा है आपके पास छोटा, उसे जो है एक एक चींटी काट लो आप इस तरीके से, तो वो आपके पीछे पीछे भाग लेगा। जब तक वो आपके नहीं मारेगा वो बदला नहीं लेगा, चैन से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो छोटा है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और एक 80 या 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी है और वो अपनी चारपाई पे या बेड पे लेटा हुआ है, उसे जाके चूंटी काट लो आप, क्या वो आपके पीछे भाग जाएगा? 90 साल का आदमी नहीं भाग सकता बिल्कुल भी। क्यों नहीं भागने का? क्योंकि उसकी ऊर्जा ही बहुत कम है, वो स्थायी है। तो जिस वस्तु में, इन सारे उदाहरणों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जिस वस्तु में जितनी ज्यादा ऊर्जा है वो उतनी ज्यादा बेचैन है, या यूं कहो कम स्थायी है, अनस्टेबल है। और जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो अनस्टेबल होगा, जितनी कम ऊर्जा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। और हर एक चीज चाहती है स्थायी होना, स्टेबल होना, यानी अपनी ऊर्जा को घटाना चाहती है। तो यदि ऐसी स्थिति आपको मिलती है, यानी अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा होती है उत्पादों की ऊर्जा से, ठीक है, तो रिएक्शन जरूर होगा, क्योंकि
क्योंकि रिएक्शन होने से स्थायित्व प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? स्थायित्व। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं, चलो, यदि यदि अभिकारकों की ऊर्जा, यदि अभिकारकों की ऊर्जा, अभिकारक उन्हें कहते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हो, रिएक्शन करते हो, यदि अभिकारकों की ऊर्जा अधिक होती है उत्पादों की ऊर्जा से, उत्पाद माने प्रोडक्ट जो बने, ये उत्पादों की ऊर्जा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि यदि अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा होगी उत्पादों की ऊर्जा से, तो अभिक्रिया अभिक्रिया स्थायित्व, स्थायित्व माने स्टेबिलिटी, अभिक्रिया स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अभिक्रिया स्थायित्व प्राप्त करने के लिए होती है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का होने का रीजन यही है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वे स्थायी होना चाहते हैं, अभिकारक स्थायी होना चाहते हैं, अपना एनर्जी लेवल घटाना चाहते हैं। इसका कारण यह होता है कि जो स्थायित्व होता है ना, स्थायित्व स्टेबिलिटी, स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है ऊर्जा के। देखो वन अपॉन ऊर्जा लिखा है, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है दोनों में। अब आप कहोगे कि सर व्युत्क्रमानुपाती संबंध का क्या मतलब है यहां? इसका मतलब यह है कि ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्थायित्व कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं एक दूसरे के दुश्मन है। यदि किसी वस्तु में ज्यादा ऊर्जा है तो उसका स्थायित्व होगा कम, और यदि किसी वस्तु में कम ऊर्जा है तो उसका स्थायित्व होगा ज्यादा। तो यदि अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा है और रिएक्शन करने के बाद उनकी ऊर्जा घट जाएगी जो भी प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मतलब एनर्जी लेवल घटेगा, और एनर्जी लेवल घटेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो हर एक चीज चाहती है कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं।